और उसका जो भी अच्छा खराब नतीजा होता है वही बेटियां ही बताएगी, उसका जवाब वही देगा। जैसे हम बताए कि फूल कैसे मुरझाए वो डालियां बताएगी, दहेज का रस्म क्या है वो बेटियां बताएगी, उस गरीब का क्या होगा, उस गरीब का क्या होगा, खुदा की रूम की खिड़कियां बताएगी। जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। और आज हम एक विद्यालय में बैठे हुए हैं, विद्यालय का प्रांगण है और आप देख सकते हैं कि हरे भरे वृक्ष हैं। इसी के बीच हम एक टेबल और कुर्सी हमारे समक्ष है और इसी के पास हम बैठे हुए हैं और हमारे पास एक ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो निस्वार्थ भावना से गरीब बच्चों को पठन पाठन के कार्य में हेल्प करते हैं, हेल्प यानी कि सहायता। हम आज अपने चैनल के माध्यम से इन बुजुर्ग से मिलाएंगे भी और बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर उस उम्र के पड़ाव में जब इंसान थक हार कर अपने घर बैठ जाता है, लेकिन ये एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो कोशिश करते हैं कि हमारे जो क्षेत्र में गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा इनके स्तर से दिया जाए और कोशिश भी करते हैं, क्लास अटेंड भी करते हैं, पढ़ाने लिखाने में शिक्षकों की मदद भी करते हैं और ये सारा चीज निस्वार्थ है। हम आपको बता दें कि अभी इस युग को कलयुग कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसको कलयुग भी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बिना किसी आर्थिक लेन देन के, बिना किसी स्वार्थ के कोई आदमी किसी का काम नहीं करता है जो आमजन कहते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो निस्वार्थ भावना से गरीब बच्चों को पठन पाठन कार्य में सहायता करते हैं और यहाँ के शिक्षक भी इनके कार्य से बहुत खुश हैं। और चलिए हम मिलाते हैं। और एक विचार हमारे मन में आया, अक्सर लोग कहा करते हैं कि उम्र हमेशा बढ़ता है, गुजर जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर इंसान चाहे तो उस उम्र को रोक सकता है। रोकने का अर्थ यही है कि अगर हम किसी भी उम्र के पड़ाव में हैं, अगर हम चाहें तो अपने उम्र को किसी कार्य में लगा दें तो हो सके कि आपकी खुशी से आपका जो दिल कहता है अगर वो काम अगर आप करते हैं तो हो सके कि आपका जो उम्र है वो बढ़ जाए। ये हमारा मानना है, पर्सनल मेरा मानना है। चलिए हम इसी कड़ी में इन बुजुर्ग से मिलाने की कोशिश करते हैं और इनसे बात करते हैं। चलिए मिलाते हैं। जी हमारे साथ इनका नाम है श्री विश्वनाथ सिंह और ग्राम नजरा चौकी और कोढ़ा प्रखंड जो कटिहार जिला में अवस्थित है। चलिए आज इन्हीं से बात करते हैं और इनका उम्र भी आपको दिख रहा होगा कि ये कितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन चलिए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जी बाबा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विश्वनाथ सिंह। जी विश्वनाथ सिंह, तो आप इस कितना उम्र हुआ आपका? हमारा करीब 75 के आसपास में पहुंच गया। 75 हुआ है। तो पहले, इससे पहले आप सरकारी कर्मी थे? हाँ। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आप यहाँ मैंने पढ़ाना प्रारंभ किए, तो मैंने क्यों पढ़ाना, मैंने आपको क्या लगा कि क्यों बच्चों को पढ़ाना चाहिए? इस उम्र में तो सब घर पे बैठ जाते हैं, बाल बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या मैंने क्यों पढ़ा रहे हैं ये बताइए। हमारा ये विचार रहता है कि बच्चों के बीच में जाएं, अगर हम में जो भी कुछ गुण है हम चाहते हैं कि बच्चों को बतावें और बच्चे पढ़ें लिखें। जिसके पास शिक्षा है और रहेगा उसके पास अंजोला रहेगा, जिसके पास शिक्षा नहीं रहेगा वो अंधेरा में भटकते रहेगा। इसलिए हर हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी बच्चा हो वो पढ़े, उसके जिंदगी के लिए, उसके जिंदगी कैसे खुशहाल हो इसके लिए हम हर हमेशा प्रयास करते हैं। एक बार नहीं, दसों बार बच्चों को ये बात कहते हैं कि भाई मेहनत करो, किसी भी काम में मेहनत की जरूरत है, पढ़ाई में भी मेहनत की जरूरत है। आज बच्चियां
इतने ऊपर शिखर पर पहुंच गई है कि आज लोगों को पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खेल से लेकर के पढ़ाई तक में सभी लोगों को पुरस्कार देते हैं और दूर दूर तक बच्ची सब जा करके और खेल करके और तो आपको ये पठन पाठन में मैंने आपको आनंद आता है। हाँ, पठन पाठन में आनंद इसलिए आता है कि हम भी बुजुर्ग हैं, रिटायर होके आए हैं, तो कम से कम रोज स्कूल आते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, तो हमारा भी एक क्षण जिंदगी आगे बढ़ जाता है ऐसा जैसा कि हम महसूस करते हैं। हाँ, वास्तविक है 75 साल का उम्र है, लेकिन फिटनेस में इनको अभी ये अच्छे अच्छे को पराजित कर देंगे फिटनेस के मामले में। और सही बात है, अगर अपना इंसान अगर दिल की बात सुने और उस कार्य को करे तो जरूर है कि उम्र बढ़ेगा। तो बच्चे आपको कैसा करते हैं? बच्चे भी बहुत आदर करते हैं हमारा। अच्छा। और बच्चे माने कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कोई क्लास में है तो बच्चे भी आ जाते हैं कि सर चलिए कोई नहीं है क्लास में, चलिए आप हम लोगों को कुछ बताइए। अच्छा, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो आपका साथ? हाँ, शिक्षक लोग सभी लोगों का सहानुभूति है जी। तो आपका घर जो है इस स्कूल से कितना दूर पे है? बगल 10 कदम है। 10 कदम है। तो मैंने आपका मैंने जब से रिटायर होके आए हाँ। तो आपको लगा कि नहीं हमको बच्चों के बीच में रहना चाहिए, इन गरीब बच्चों के बीच में हाँ, रह के हाँ, इसलिए कि शुरू में भी शुरू से ही हम मैंने पढ़ाने का ही किए। 1964 में हम पढ़ाते थे, बीच में चले गए नौकरी करने, वहां से आए तो फिर यहाँ शिक्षा समिति में लोग रखे। महेश्वरी जी भी आए थे एक बार, वही ज्यादा बल लगा करके बोले कि ना आज चाचा। अच्छा, ये बताइए कि आप जो इतना दिन नौकरी की और अब बच्चों के बीच में रह के निस्वार्थ भावना से पढ़ाते हैं या उनका देख रेख करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमको। हाँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम खुशी रहते हैं बच्चों के बीच में जाते हैं। ये हंसी ही बता रही है हाँ। कि ये अपने कार्य से निस्वार्थ भावना से जो कार्य कर रहे हैं हाँ। इनसे ये बहुत प्रसन्न है, होना भी चाहिए। अगर ऐसा ही इंसान भारत के जितने भी लोग हैं अगर ऐसा ही सोच रखें तो हमें नहीं लगता है कि सोने की चिड़िया बनने में हमारा देश पीछे रह सकता।